हाँ हेलो। हेलो, हाँ बोलो यार। एक बात बताओ, मेकअप में कौन सा लुक रखूँ, ग्लॉसी या न्यूड? यार तुम्हें जो रखना है वो रखो, मुझे ये समझ में नहीं आता तुमको कितनी बार बोलूँ। यार तुम इतने सालों से हो मेरे साथ, तुम्हें अभी तक ये नहीं समझ में आया ग्लॉसी और न्यूड मेकअप क्या होता है? देखो ना, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ और ना बहस कर सकता हूँ, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो प्लीज। यार मुझे समझाने के टाइम तुम्हें कभी समझ नहीं आता, गाबा को बतेरे सजेशन देने आते हैं तुम्हें। अरे यार अब इसमें गाबा कहाँ से आ गया, और वैसे भी उससे मैं सारी बातें खुल के कर पाता हूँ, एक तो तुम्हें मैं ढंग से चीजें समझा नहीं पाता। मुझे नहीं समझाना आता, सिर्फ गाबा समझ के बात कर लो, उससे बहुत खुल के बात करते हो तुम। ठीक है तो गाबा समझ के बात कर लूँ? हाँ कर लो। झेल लोगी? अरे करो ना यार, तुम करो तो सही। ठीक है तो बात करते हैं, मगर वो ऐसे नहीं बात करता मुझसे। तो कैसे करता फिर? वो बोलता है भौंक, जल्दी भौंक। अच्छा भौंक। ओ झोपड़ी के साले, अपने बाप को जाके बोलियो भौंकने के लिए, समझा? वैसी गुप्पी ने दिमाग खराब कर रखा है। अब क्या हो गया? अबे यार अब नई नौटंकी शुरू हो गई है, मेकअप मेकअप। अब तू बता हमें कैसे पता चलेगा भाई कौन सा लुक सही होता है और कौन सा लुक खराब होता है। अब परसों मेरे को फोन करके बोलती मैं हाइलाइटर लूं या ब्रॉन्जर लूं। 99.9% लॉन्डो को इसके बारे में नहीं पता हो सकता भाई, ये तो केबीसी का 5 करोड़ का सवाल होना चाहिए। तू और मैं कैसे बता देंगे इसका जवाब? और तुम पूछ भी किससे रहे हो? उन लॉन्डो से जिनके नाक के बाल जब तक मुंह में ना घुस जाए वो कटवाते नहीं। हमें कैसे पता चलेगा भाई ये मेकअप वाली चीजें? और तेरे को कसम से बता रहा हूँ, मेरे को तो लड़की का मेकअप और जो दीवार का वो जो डेकोरेशन होता है इसमें कोई फर्क नहीं लगता। मैं प्रूफ कर सकता हूँ भाई, लड़की के चेहरे पे लगता है कंसीलर और दीवारों पे क्या लगता है? पुट्टी, ताकि गड्ढे वड्ढे छुप जाए। उसके बाद बारी आती है प्राइमर की, और मजाक की बात क्या है, लड़की के चेहरे पे जो उसके बाद चीज लगती है उसका नाम भी प्राइमर ही है। उसके बाद बारी आती है पेंट की दीवारों के लिए, और लड़कियों के चेहरे पे लगता है फाउंडेशन, और फिर आता है आईलाइनर, लिपस्टिक, मस्कारा और पता नहीं क्या क्या। भाई कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, हमें कुछ समझ नहीं आ सकता। चल एक चीज पूछता हूँ, तू मेरे को जवाब दे देगा तो मेरी सारी जायदाद तेरी। तू मुझे बस इतना बता दे आईलैश कलर क्या होता है? कितना भी सोच ले जवाब नहीं मिलेगा। मैं बता दूं, एक छोटी सी मशीन होती है, उसको वो घुसाती है अपनी आंख में, उसके बाद आईलैश की जान निकाल के ही छोड़ती है। जब तक आईलैश पूरी तरह से खड़ी नहीं होगी तब तक उसे प्रेस करती है। किसी भी लेवल पे जा सकते हैं भाई, और ये लेवल तो अभी भी कम है, इसका अगला लेवल जो है उस पे तो जान पे भी खेल जाती है। परसों गुप्पी का क्या हुआ, वो खराब हो गया हेयर स्ट्रेटनर, तो इसने क्या किया, एक टॉवल उठाया उस पर रख के अपने बाल, और प्रेस रखा और सीधा खींच दिया। प्रेस कौन सा वाला, जिससे हम अपनी शर्ट प्रेस करते हैं। भाई 3 बार कान जल गए पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और इसके बावजूद अगर मेकअप में थोड़ा 19-20 हो जाए ना तो इनके पास एक ब्रह्मास्त्र होता है, वो लगाते ही सारी चीजें सेट हो जाती, वो होता है चश्मा। एक बार चश्मा लगा दो तो भाई शक्ति कपूर जैसा बंदा भी ना श्रद्धा कपूर लगने लगता, पता नहीं कैसे। और कसम से तेरे को एक और चीज बता रहा हूँ, अगर कल को मेरी गुप्पी से शादी हो गई तो मुझे सुहागरात की इतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी होगी उसका असली चेहरा देखने। अबे आज तक असली चेहरा देखा ही नहीं, पता नहीं कितने परत की मेकअप लगी रहती है चेहरे पे। तो प्लीज प्लीज उसे फोन कर और समझा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे लुक्स पे और इन सब चीजों में, तुम्हें जो करना है जैसे करना है अपनी मर्जी से करो। और अगर आज के बाद इसने मेरे को कभी फोन किया ना इस बारे में, तो भाई फोन में घुस के ऐसा मुक्का मारूंगा ना कि सारे दांत टूट जाएंगे, सारा मेकअप इधर का उधर हो जाएगा, समझा? तू फोन रख और दफा यहां से, दिमाग का दही हो चुका मेरा। बेबी हो ना? हाँ। तो बस अगर गाबा होता तो मैं ऐसे ही बात करता उससे, ठीक है? तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं ठीक है। हाँ चलो ठीक है, फिर आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से मेकअप वेकअप जैसे भी करना है वो करके आ जाओ, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ चलो ओके बाय बाय। मेकअप